चलिए एक और नए बच्चे से मिलते हैं, हर्ष से, जिनके ऑल इंडिया रैंक 406 है और इनको एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ है। और हर्ष जो है वो फिरोजाबाद यूपी से है। तो हर्ष, सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर मैं आपको और प्रतीक सर और पूरी इम्पीटस टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगा पहले। और तो, सर हाँ बोलिए बोलिए। बस सर थैंक यू, मैंने सोचा भी नहीं था सर इतनी अच्छी रैंक आएगी। इम्पीटस के साथ जुड़ने की वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी किसी एग्जाम को इतने अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाऊंगा। देखो हर्ष, यही एक चीज होती है। और सबसे खास बात है हर्ष की, इस कोविड के समय में भी और घर रह के आपने इतने अच्छे से ऑनलाइन प्रिपरेशन की, यही आपकी सफलता है। और हम हमेशा अपनी सफलता को इस ढंग से देखना चाहिए, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो सबसे पहले हर्ष, आपने क्योंकि ये फाइनल ईयर के साथ रैंक अचीव की है, तो मैं चाहूंगा कि आप सक्सेस जर्नी जरूर बताइए। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप बहुत खुश हैं और एनआईटी कुरुक्षेत्र की अब क्लास भी स्टार्ट हो गई, तो आपको काफी इंजॉय कर रहे होंगे, आप अच्छा लग रहा होगा। तो हर्ष मैं ये चाहूंगा कि आपने पहले तो बताओ निमसेट के लिए कब सोचा और कब से प्रिपरेशन की, किस तरह से प्रिपरेशन की और ऑनलाइन का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मैंने जब बीसीए ज्वाइन किया था मुझे निमसेट के बारे में तभी पता था, लेकिन मैंने कभी उसके लिए प्रिपरेशन नहीं की। ठीक है, फाइनल ईयर में आने के बाद मैंने सोचा कि इस साल अब कुछ तैयारी करनी चाहिए। तब मैंने डिसाइड किया, यूट्यूब पे सर्च किया काफी, तो आपकी कोचिंग के बारे में पता चला। वहां से मैंने आपकी कोचिंग के बारे में सर्च किया, फिर आपने जो नंबर दिए थे उन पर कॉल किया, वहां से फिर कोचिंग ज्वाइन की मैंने। काफी अच्छा लगा कोचिंग में और आपको बस सर इतना ही था। तो हर्ष जब आपने, देखो वैसे मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपने फर्स्ट ईयर में सोच लिया था पर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, करते तो शायद और अच्छा होता आपके लिए, क्योंकि यस उससे सर, आपके ऊपर बर्डन नहीं आता एकदम से फाइनल ईयर में। यस पर सर, एनीवे कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला बोलते हैं। तो जब आपने फाइनल ईयर में ये ज्वाइन किया इम्पीटस गुरुकुल के साथ ऑनलाइन जुड़े, तो उसके साथ आपका कॉलेज मैनेजमेंट कैसा रहता था और किस ढंग से आप पढ़ाई करते थे? सर मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ एसएच था नहीं कि स्ट्रिक्ट नहीं था कॉलेज, आप कॉलेज जाना चाहें तो जा सकते हैं, वरना कोई वो नहीं थी। फाइनल ईयर होने की वजह से और ज्यादा कुछ सब्जेक्ट भी नहीं थे फाइनल ईयर में, तो मैंने मैनेज कर लिया था सर। पर और किसी कॉलेज में डिफिकल्ट हो सकता है मैनेज करना, तो आपको करना पड़ेगा मैनेज फाइनल ईयर में। आप 2 घंटे भी पढ़ें पर कॉन्स्टेंट रहें, मैं बस यही कहना चाहूंगा। ठीक है, तो आप अपनी एक बार बताइए, जैसे आपने फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की, टाइम कम था, तो टाइम मैनेजमेंट कैसा था और किस तरह से आपने प्रिपरेशन की? कई बार बच्चों के मन में होता है कि सर कौन कौन सी गाइड सॉल्व की या कौन सी बुक की, कई बच्चे बोलते हैं उन्होंने कोई बुक्स नहीं की होती, केवल जो वीडियो होते हैं और जो नोट्स होते हैं इम्पीटस के उसी से किया, तो आपका प्रिपरेशन का तरीका क्या था? सर मैंने आपके मटेरियल को तो सॉल्व किया ही था, उसके साथ साथ मेरे पास एक बुक थी अमित अग्रवाल, केवल वही सॉल्व की थी मैंने, और वो बहुत काफी बेसिक सी बुक है, बस मैंने वही सॉल्व की थी। और बस सर वही सॉल्व की थी और आपका मटेरियल और जो टेस्ट मिलते थे संडे को वो मैं अच्छे से सॉल्व करता था, उसके बाद अच्छे से उनका एनालिसिस करता था काफी टाइम तक। ठीक है, तो हर्ष आप ये बताइए, जैसे आपने फर्स्ट ईयर से सोचा था पर आपने प्रिपरेशन फाइनल ईयर में की थी, तो मैं, हर बच्चा अपनी लाइफ की सक्सेस जर्नी, अपने अंदर के वीक और स्ट्रांग पॉइंट जानता है, तो आपका अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा, कब से उन्हें प्रिपरेशन करना चाहिए और अगर वो सोचते हैं तो उन्हें क्या स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या एक्शन ले लेना चाहिए? सर अगर किसी बच्चे को फर्स्ट ईयर में पता चलता है तो फर्स्ट ईयर में ही उसको कम से कम 1 घंटे 2 घंटे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और फाइनल ईयर जाते जाते उसको थोड़ा टाइम बढ़ा देना चाहिए, और जितना अच्छे से जितना ज्यादा टाइम देगा उतना अच्छा रहेगा, एंड में उसका अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल सही बात है हर्ष, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आया। अब एनआईटी कुरुक्षेत्र का क्या एक्सपीरियंस है, अभी आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया, कैसा लग रहा है आपको, ऑनलाइन हुआ अभी इनफैक्ट? सर काफी अच्छा कॉलेज है, फैकल्टी भी काफी अच्छी है, टाइम पे लेक्चर लगते हैं यहाँ पे और कोई टीचर मतलब वैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है सर, काफी अच्छे टीचर सर। तो आप एंजॉय कर रहे हैं मतलब? यस सर। सर मैं पेपर के बारे में, पेपर से पहले जो होता है उसके लिए कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए सर, लास्ट नाइट जिस दिन पेपर था उससे पहले मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी सर, तो मैं, सर आप हमेशा ही बोलते हो कि लास्ट नाइट पे अच्छे से नींद लेनी चाहिए, तो वो मेरे साथ नहीं हो पाया था, मैं पूरी रात सो नहीं पाया था सर। तो ये अच्छा नहीं हुआ, देखो आपकी रैंक भले ही आ गई, कॉलेज में मिल गई, पर अगर आप अच्छी नींद लेके फ्रेश माइंड जाते तो मुझे लगता है आपकी परफॉर्मेंस जो अभी रैंक आई उससे और ज्यादा अच्छी होती। हाँ सर वही मैं जूनियर्स को बताना चाहूंगा कि फाइनल लास्ट डे पे अच्छे से नींद लें, बस सर मैं तो बस यही कहना चाहूंगा।
चलो थैंक यू बेटा हर्ष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू बेटा, ऐसे ही खुश रहना, आपको खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और लाइफ में ऐसे ही खुश रह के आगे बढ़ना है, और हमें कभी किसी चीज से डरना नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।